आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज हम आपको विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी स्थापना भीम ने की थी। ये शिवलिंग पृथ्वीनाथ मंदिर में है, जो कि यूपी के गोंडा जिले के खरगोपुर में स्थित है। ये मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। तो आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। गोंडा में स्थित है ये शिवलिंग पृथ्वीनाथ मंदिर में है एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। भीम ने स्थापित किया था ये शिवलिंग, जिसके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं सभी कष्ट। वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है ये मंदिर। सावन का महीना चल रहा है, देश भर के लोग शिव भक्ति में लीन हो चुके हैं। हम आपको विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी स्थापना भीम ने की थी। ये मंदिर यूपी के गोंडा जिले के खरगोपुर में स्थित है। ये मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। इस मंदिर को पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पृथ्वीनाथ मंदिर वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। पृथ्वीनाथ को लिंगम भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग है, जिसे द्वापर युग में पांडवों के निर्वासन के दौरान भीम द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर में आने के बाद सभी भक्तों को शांति मिलती है। शिव के मंदिर के केवल दर्शन मात्र से सभी पीड़ितों के कलेश दूर हो जाते हैं। भक्तों का विश्वास इस जगह के महत्व को दर्शाता है। ये भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ हर साल शिवरात्रि के दिन बहुत ही भव्य मेला लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम ने बकासुर का वध किया था। बकासुर के वध के कारण भीम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भीम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। बताया जाता है कि ये 7 खंडों का शिवलिंग है, जो 15 फुट ऊपर दिखता है और 64 फीट जमीन के नीचे है। तो वहीं इतिहासकारों के अनुसार मुगल सम्राट के कार्यकाल में किसी सेनापति ने यहाँ पूजा अर्चना की थी और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसकी शास्त्रों में मान्यता है, महाभारत के वन पर विस्तार से कथा आता है कि यहीं पर जो है भीम ने बकासुर के नाम अक्षर का वध किया था। राक्षस को मारने के बाद उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए भगवान श्री से अन्वय विनय किया। उन्होंने कहा यहीं पर भगवान शिव की स्थापना करो, इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। आज से लगभग 6,500 वर्ष द्वापर में भगवान शिव की स्थापना भीम के द्वारा की गई थी और ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मानव निर्मित को छोड़ करके एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। अगर इससे बड़ी शिवलिंग कहीं आपको मिलती है तो मानव निर्मित होगी, उनकी दंत कथा मिलेगी, शास्त्रों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। ये भी बताया जाता है कि भीम द्वारा स्थापित शिवलिंग धीरे धीरे जमीन में समा गया। इसके बाद खरगोपुर के राजा मान सिंह की अनुमति से पृथ्वीनाथ सिंह के नाम के एक शख्स ने मकान बनवाने के लिए यहाँ पर खुदाई शुरू करा दी। उसी रात पृथ्वीनाथ सिंह को सपने में पता चला कि उस जमीन के नीचे 7 खंडों का एक शिवलिंग दबा हुआ है। उसके बाद शिवलिंग खुदवा कर पूजा अर्चना यहां शुरू करा दी गई। पृथ्वीनाथ मंदिर के पौराणिक महत्व को देखते हुए लोगों की इसमें अपार श्रद्धा है। मंदिर के दर्शन करने एवं शुद्ध मन से पूजा करने से यहां आकर सभी पाप दूर हो जाते हैं व समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि के पावन समय में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और शिवलिंग का महाअभिषेक होता है। इसके अलावा कजरी तीज, जेठ, दशहरे पर लाखों श्रद्धालु देश भर से यहां आते हैं। विद्वानों का तर्क है कि ये शिवलिंग एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और तो और नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी इतना बड़ा नहीं है।
पृथ्वीनाथ महादेव की महिमा दूर दूर तक फैली है। यहाँ भारत के अलावा नेपाल से भी भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि और सावन पर तो यहाँ अद्भुत ही नजारा देखने को मिलता है। भक्तों का तांता यहाँ लगा ही रहता है। मान्यता ये भी है कि भोलेनाथ के इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। श्रद्धा लेकर के आदमी आता है, हर इंसान जो है अपने श्रद्धा लेकर के आता है, विश्वास से आता है कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और सभी का मनोकामना पूर्ण होता है, होकर के रहता भी है, यह सत्यता है। हमारे पृथ्वी बाबा का भोलेनाथ जी का जो है यह सत्यता है। प्राचीन काल में निर्मित ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन आज तक मंदिर के द्वार तक पानी नहीं पहुंचा है। मंदिर में शिवलाट के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे सजीव हैं और बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। यहाँ सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं, लेकिन मेला वाले समय में रात 12 बजे से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। इस शिवलिंग का निर्माण स्फटिक पत्थर से हुआ है। पृथ्वीनाथ मंदिर की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी है। पृथ्वीनाथ महादेव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिव आदि अनंत है, पल भर में अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मानव निर्मित को छोड़कर एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में पृथ्वीनाथ के नाम से स्थापित है। बताया जा रहा है कि पांचों पांडवों में से भीम के द्वारा लगभग 6,500 वर्ष पूर्व इस शिवलिंग का स्थापना हुआ था। सावन माह में विशेषकर सोमवार को श्रद्धालु आते हैं और अपनी मुरादें लेकर जलाभिषेक करते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि बगल अपना पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आते हैं और अपनी मुरादें लेकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं, हाजिरी लगाते हैं। गोंडा से प्राइम टीवी के लिए खेमराज मिश्रा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।